13.7 एक्टिविटी कौन सा है? वाला एक्टिविटी अच्छा सब बताएंगे, सब बताएंगे। एक्टिविटी 13.7 ये वाली, तो बताया जा रहा है कि लेंथ हमने बढ़ा दिया, इसका लेंथ बढ़ाया तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया तो क्या होगा, करंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये सब चीज पूछा जा रहा। तो हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज, करंट बढ़ा दिया, स्ट्रॉन्गर हॉर्सो मैग्नेट इज यूज, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज किया तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, रॉड का लेंथ को बढ़ा दिया तो क्या होगा। इसके लिए बेटा थोड़ा ध्यान रखना, तुम लोग एक चीज ध्यान रखोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, ये जो सिंबल होता है फोर्स, एफ क्या डिनोट करते हैं फोर्स को, बी का इसका सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, आई किसका सिंबल होता है करंट का, एल किसका सिंबल होती है लेंथ का, और एक्चुअली क्या होता है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है बी आई एल, बी आई एल, एफ इक्वल्स टू बी आई एल। थोड़ा ये भी ध्यान रखते हो शॉर्ट में बिल। तो अभी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा अभी तो बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, तुम्हारा आंसर ये होगा इफ करंट ऑफ द रॉड इज इंक्रीज तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्गर हॉर्स मैग्नेट इंक्रीज इज यूज तब भी मान लो फोर्स बढ़ेंगे, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज तभी भी ये बढ़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लो हम लोग करंट को इंक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज होगी, हम लोग ने लेंथ को इंक्रीज किया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो फोर्स इंक्रीज होगा, बिकॉज सब इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाला याद रहेगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, जो फोर्स होती है वो मैग्नेटिक व्हील बढ़ाने से भी इंक्रीज होती है, लेंथ बढ़ाने से भी और करंट बढ़ाने से। और मान लो प्रैक्टिकली करोगे, जब मतलब इसका प्रैक्टिकल करोगे तभी भी ये चीज प्रूव होगा। ओके, प्रैक्टिकली भी देखोगे वही चीज ही हो रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज अभी तो स्कूल बंद है, प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, लेकिन तुमको थोड़ा फॉर्मूला के रेस में बता दिया, ठीक है। तीनों के साथ ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर? ओके, सबका क्लियर हो गया। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड।